गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एच पी टी जी टी मेडिकल कमीशन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज करेंगे हाउ टू कैलकुलेट पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो टेट और एच पी टी जी टी केमिस्ट्री में आएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले बाय सर्चिंग टी जी टी मेडिकल। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दें, उसके साथ एक बेल आइकन भी होगा, उसको दबा दें, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के वीडियो की ओर। सो एच पी टी जी टी केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। एच पी टी जी टी केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसमें हम चर्चा करेंगे हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखिए कहाँ होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको जब भी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनाने के पता करने के लिए आता है, तो आपको वहाँ पर सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं। लुईस स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो जो हेड बाय हेड ओवरलैप करते हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड हो गया तो वहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है। हेड बाय हेड ओवरलैपिंग जो करता है वो सिग्मा बॉन्ड करता है, और जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं वो आपके पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जैसे आपको बता दूँ, जैसे सी यहाँ पे सी है और ये सी है, तो ये हेड बाय हेड ओवरलैपिंग करेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पे ये जो पाइप ये बॉन्ड बन रहा है, ये पाइप बॉन्ड होगा, और जो बीच में बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आपको पहचान कैसे करनी है, आपको ये तीन टर्म्स याद रखनी है, इसकी ये तीन टर्म्स याद रखनी है, आपको इन टर्म्स के बारे में भूलना नहीं है। ठीक है, क्या टर्म्स हैं ये? सिंगल बॉन्ड, अगर कहीं सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे वन सिग्मा बॉन्ड और कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड नहीं होगा, ये चीज़ याद रखनी है। फिर सेकंड आता है डबल बॉन्ड, अगर कहीं डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड ज़रूर होगा। जैसे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है, पाई बॉन्ड आ गया, सॉरी दो डबल बॉन्ड आ गया, तो उसमें एक जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा और एक होगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वहाँ पे वन सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड आ गए। ठीक है, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन के बीच में, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन के बीच में, तो यहाँ पे ये जो बाहर वाले जो हैं ये पाई बॉन्ड है दो, और ये बीच वाला जो है ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड आते हैं। तो इन टर्म्स को आपने याद रखना है, ये टर्म्स जो है आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में जब आप ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर्स तो उसमें यूज़ होती है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स प्रजेंट इन CH3CH3। इस CH3CH3 का जो है आपको बताना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाइए, जितने सिग्मा सिंगल बॉन्ड है उसको सिग्मा बॉन्ड डिनोट करिए, जितने डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई डिनोट करिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका कैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो हम बनाते हैं CH3CH3, इस दो सी ए बनाओ, उसके बाद तीन एच लगा दो एक CH3 पे और तीन लगा दो एक वाले पे। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है सारी जगह, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। ये कैसे डिनोट किए, ये बॉन्ड होते हैं बेटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उससे बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ एक ही होगा वैलेंस में। ठीक है, कार्बन के पास चार होता है वैलेंस में तो वहाँ पर चार लगेंगे, तो वो चारों जो है आपस में शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड, 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 यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। टोटल कीजिए कितने होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो सात सिंगल बॉन्ड है तो सात ही सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो सेवन सिग्मा बॉन्ड और जीरो पाई बॉन्ड इसका आंसर होना चाहिए। तो जो बी ऑप्शन है इसका वो दिख रहा है हमको, सिक्स सेवन सिग्मा बॉन्ड और जीरो पाई बॉन्ड्स इसका ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर
होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन CH3OH। CH3OH में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। तो ड्रॉ करिए के स्ट्रक्चर को, ड्रॉ करिए स्ट्रक्चर को, उसमें सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जितने दिखेंगे उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे, और जितने डबल दिखेंगे उसमें सिग्मा बॉन्ड भी होगा और पाई बॉन्ड भी होगा। ठीक है, तो ड्रॉ ड्रॉ करके देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। CH के साथ लगा हुआ है, 3 H लगे हुए हैं, फिर O के साथ लगा हुआ 1 H। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है सारे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड कोई नहीं है तो पाई बॉन्ड होगा नहीं, ना ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड है नहीं, तो 0 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन में देखिए 5 सिग्मा बॉन्ड और 0 पाई बॉन्ड्स इसका आंसर होगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन CH2CH CCN। ठीक है, तो लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर बता बनाइए इसका, तो पता कर लग जाएगा। तो चलो बनाते हैं, सी इस CH2 के साथ H लगा है 2, फिर डबल बॉन्ड है बीच में, फिर CH है, फिर C है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, एक बार दोबारा बना लेते हैं यहाँ साइड में, जैसे CH डबल बॉन्ड CH सी सी ट्रिपल बॉन्ड N, ये स्ट्रक्चर है। तो सिंगल बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 सिंगल बॉन्ड, तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो चुके हैं। अब डबल बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होगा तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 1 ऐड हो जाएगा, और 1 पाई बॉन्ड होगा तो 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक है, और 1 ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ठीक है, 5 सिग्मा बॉन्ड थे, 6 हो गए, फिर 7 हो गए, तो 7 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड पहले था और 2 बाद में जुड़े, तो 1 और 2 3, तो 7 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखिए उसी की तरह लग रहा है, तो 7 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड्स इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन CH2 CH2 CH3। तो इसका लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर बनाइए, आपको पता लग जाएगा कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो चलो बनाते हैं, सी बनाइए, उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच कीजिए, ये वाला पूरा हो गया, फिर डबल बॉन्ड, फिर सी, फिर डबल बॉन्ड, फिर एच, फिर एच, फिर सी एच 3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्मा बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड 1 2। ठीक है, तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितने होते हैं, और 1 2 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा इसका वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप 10 कर दीजिए, 10 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। कैलकुलेट करके देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है, मेरे पास तो ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ये वाला आपको पूछा गया है, C3H8 हैव कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो C3H8 क्या, यानी कि 3 C हैं, 3 C लगा दीजिए इस तरह से लाइन में, और 8 H को डिनोट कर दीजिए, तो 8 H जो है इस तरह से लग सकते हैं, फिर 3 इसके साथ लगा दीजिए, फिर इस तरह से लगा दीजिए। ठीक है, तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सिग्मा बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड कोई नहीं है,
तो पाई बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, तो जीरो पाई बॉन्ड्स इसमें होने चाहिए, तो 10 सिग्मा बॉन्ड्स और 0 पाई बॉन्ड्स। तो इस तरह से आप जो है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में डिनोट कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा बता दूं कि जहां सिंगल बॉन्ड होगा बीच में वहां पे सिग्मा बॉन्ड ही होगा, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके TGT और TET में आ चुके हैं पहले, तो इस तरह से आप ध्यान रखें इनको करने का तरीका। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।